सो गाइस स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई ब्रून वेवरेजेस लिमिटेड को लेकर ब्रून वेवरेज लिमिटेड के अंदर आज हमें एक धमाकेदार रैली देखने को मिल रही है और इस धमाकेदार रैली के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है वो आपको बताएंगे भाई एक या आज दो बड़ी खबरें आती हुए नजर आई है जिसकी वजह से आप लोग देखोगे व्रुण वेवरेजिज के अंदर हमें ये धमाका होते हुए नजर आया है पंद्रह के करीब की जो रैली है वो आते हुए नजर आई है 1340 रुपए चालीस का एक फ्रेश बावन वीक हाई अगर आप लोग देखोगे तो ऊपर में स्टॉक ने लगाया है तो चलिए फटाफट से देखते भी आखिरकार क्या न्यूज आई है और उसका और कितना इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर रहेगा क्या ये स्टॉक ऐसे ही एक अच्छी खासी रैली पर दिखाई देगा या फिर जो न एक जो डीप है वो यहाँ से स्टॉक में बन सकता है तो चलिए फटाफट से देखते भी सबसे पहले जो न्यूजें आई हैं वो तो यहाँ पर आप लोग देखो देखोग कल के दिन कंपनी ने एक नोटिस पब्लिश किया था 19 तारीख के दिन तभी तो इतनी है, जो ख़तरनाक ओपनिंग है वो हमें देखने को मिली है एक तो आप लोग देखो भी झारखंड गवर्नमेंट के साथ इसने जो है अभी एम ओ यू साइन किया है ठीक है 18 दिसंबर की जो है अपडेट रही है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है अभी झारखंड के अंदर टोटल कैपेसिटी जो इसकी होगी आउटले की वो लगभग फोर करोड़ के आसपास की तो ये बड़ी खबर सामने आई है और स्टॉक में बूम इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर जिसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है भी आज की इस चौदह से पंद्रह परसेंट की रैली के पीछे तो क्या न्यूज चलिए वो आपको दिखाते हैं तो यहां पर आप लोग देखोगे दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज है ये भी हमें जो 19 तारीख के दिन ही देखने को मिली थी जिसका पूरा का पूरा इफेक्ट हमें आज स्टॉक के ऊपर जो ना देखने को मिल रहा है तो खबर क्या है यहां पर आप लोग देख सकते हो अभी कंपनी की तरफ से जो एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है कि जो बरून वेवरेज लिमिटेड है इसने जो वेव को कंपनी को एक्वायर किया है जी हाँ वेवको कंपनी जो अभी साउथ अफ्रीका की है और साउथ अफ्रीका की इस कंपनी को आप लोग देखोगे कंपनी ने 100 परसेंट जो स्टेक है इसका वो एक्वायर किया है और यही सबसे बड़ा कारण है भी आज की इस धमाकेदार रैली का तो ये सब्सिडरी कंपनी इन्होंने जो है साउथ अफ्रीका की जो एक कंपनी ना वेवको इसको इतनी बड़ी खबर आएगी तो भी जाहिर सी बात है क्यों नहीं रैली बनेगी तो साउथ अफ्रीका की कंपनी को एक्वायर करना 100 परसेंट स्टेक ठीक है उसके बाद आप लोग देखोगे भी आ... एक बड़ी जो प्लांट है वो झारखंड में लगाने जा रही है एमओयू साइन होते हुए नजर आए जो झारखंड गवर्नमेंट है ना उसके साथ तो ये बड़ी खबरें और इन बड़ी खबरों के चलते पूरी की पूरी जो नबी स्टॉक में धमाका होते हुए नजर आया है तो चलिए जानते हैं वो डिटेल में आगे कर आगे के क्या कुछ मोमेंटम बन सकते हैं क्या ये स्टॉक अभी और चलने वाला है दो के लेवल ब्रेक करेगा या फिर नहीं चलिए वो देख लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखो भाई अगर आप लोग इंट्राडे वगैरह करना चाह रहे हो तो अभी के टाइम स्टॉक अभी 1333 के आसपास वैसे तो देखो भाई सपोर्ट जो इसका गैप अप ओपन हुआ है गैप अप के बाद क्या ही सपोर्ट निकाले भाई आज का जो लो है ना भाई इंट्राडे वालों के लिए सही है तेरह सौ के आसपास का सपोर्ट पकड़ के चलना और ऊपर में स्टॉक जो ना अभी फिर से आपको एक अच्छे खासे मोमेंटम दिखा सकता है लेकिन देखो भाई सपोर्ट टूटने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है मैं पहले बोल देता हूँ सपोर्ट टूटने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है लेकिन स्टॉक ऊपर तक जाएगा इसके पीछे कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि पिछले कुछ टाइम से स्टॉक लगातार भाग रहे तो ऊपर के भाव से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है पैनिक सेलिंग आ सकती है इसीलिए इंट्राडे के कोई माहौल नहीं है अगर फिर भी कोई भी रिस्क लेने के बारे में सोच रहा है देखो भाई चौदह सौ रुपये तक के जो है ना मूवमेंट भी बन सकते हैं तो उसके लिए बेस्ट है तेरह सौ तेरह रुपये का नीचे में सपोर्ट पकड़ के चलना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भी आपको ये सपोर्ट पकड़ के चलना है या फिर नहीं चलना है तो ये रिस्क रहेगा और इतना ऊपर में रिवार अभी वो आपके सामने है लेकिन एक लॉन्ग टर्म निवेशक के रूप में अगर आप लोग इसके अंदर पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो तो एक हल्की डीप आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत अच्छी रैली में है तो इसलिए एक डीप आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीप के बाद स्टॉक के अंदर एंट्री बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस न थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो